तो दोस्तों आज हूं मैं अलीगढ़ आउटलेट और यहाँ हमारे भैया आए हुए हैं और इन्होंने भी वही गलती करी है यार। ये चूरन चटनी ने ना देश बर्बाद कर दिया है यार, भूख सबकी मार दी है। यहाँ शरीर देखो कुछ भी नहीं है शरीर में, यहाँ पर भाभी लेके आई है अपने देवर को सप्लीमेंट्स दिलाने के लिए। सप्लीमेंट्स ला पर भैया आए, भैया ने बोला भैया मास्क गिनर दे दो, मास्क गिनर मांगा आपने। क्या नाम है आपका? हरिओम चौहान। और भैया कैसा लगा आपको यहाँ के? बिल्कुल फैमिली वाली फीलिंग जी। भाभी जी आपको कैसा लगा यहाँ? अच्छा लगा जी। और भैया क्या खाया था जरा बताओ सबको। और कई सारे कैप्सूल थे, कितने रुपए के थे ये? 100-150 रुपए के। 150 रुपए के कैप्सूल। अच्छा खा रहे थे जब क्या हो रहा था? भूख बढ़ी थी और मजा आ रहा था तब तो। हाँ। और छोड़ने के बाद भूख बिल्कुल खत्म हो गई। भूख बिल्कुल खत्म है और जो वजन बढ़ा था वो भी खत्म है, वो भी सब खत्म है। और भैया कह रहे भैया मास गेनर दे दो, मैंने कहा इस कंडीशन में मास गेनर काम नहीं करेगा। कितनी रोटी खाते हो पूरे दिन में? 2 रोटी मुश्किल से, मात्र 2 रोटी खा रहे हैं पूरे दिन में। भूख मतलब खत्म ही कर दिया है उस चूरन चटनी ने। भैया अभी मुझे बताओ 150-200 रुपए कैप्सूल जो आपने खाए थे, क्या औरों को खाने चाहिए? नहीं, किसी को नहीं खाने चाहिए, किसी को नहीं खाने चाहिए। अच्छा वो 150-200 रुपए का अगर आप गन्ने का जूस पी लेते वो अच्छा था या कैप्सूल खा गए वो अच्छा? वो अच्छा था, गन्ने का जूस अच्छा रहता। हाँ। कैप्सूल ऐसे सस्ते वाले कभी भी नहीं खाने, कभी भी नहीं लेने चाहिए। आप कह रहे हैं भैया दो मास गेनर वगैरह, भाई मास गेनर नहीं दूंगा अभी, अभी पहले इनकी भूख खुलनी जरूरी है। अगर आपकी भी भूख मर गई है चूरन चटनी खा के तो ऑर्डर करो गट पावर, 1 से 2 महीने इसे यूज करो आप, ये आपका डाइजेशन स्ट्रॉन्ग करेगी, भूख बढ़ा देगी, भूख बढ़ेगी खुराक बढ़ेगी, खुराक बढ़ेगी तो वजन भी बढ़ेगा, उसके बाद फिर मास गेनर दूंगा। ये मेरा वादा है आपसे, जो भी आपका वजन बढ़ेगा वो घटेगा नहीं, जो भी भूख बढ़ेगी वो घटेगी नहीं। तो 1550 की है गट पावर और एनर्जी प्रो। एक्सरसाइज करने के लिए जरूर जाओ, व्यायाम करने से भी शरीर खुलता है, चुस्ती आती है, ये आपने पढ़ा होगा नैतिक शिक्षा में 8वीं 10वीं क्लास में। तो इसलिए एक्सरसाइज जरूर करो, गट पावर 1550 और यहाँ पर 450 का है एनर्जी प्रो। आप भी ऑर्डर करें सप्लीमेंट सलाह से। और आपने चूरन चटनी कभी खाया नहीं खाया मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। और दोस्तों मेरा वादा है आपसे, इस पूरे इंडिया में किसी को भी मैं दुबला पतला नहीं रहने दूंगा, अपनी तरह करके रहूंगा, सबको मोटा तगड़ा, ठीक है, ताकि वजन घटाने की जरूरत पड़ सके, बढ़ाने की नहीं। चूरन चटनी से बचें आप। ओरिजिनल सप्लीमेंट्स के लिए जुड़े सप्लीमेंट्स।